मिस्पा ने मेरी शक्ल बनाई हुई, आपको मैं बताती हूँ। देखो मिस्पा ने चित्रकारियाँ निकाली है अपने नोटबुक पर। आगे से इसका वो चोंच टूट गया। चोंच? अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माई न्यू व्लॉग। कैसे हैं आप सब? आई होप के आप और आपकी फैमिली अल्लाह पाक के फजलो कलम से बिल्कुल ठीक होगी। अल्हम्दुलिल्लाह आप सबकी दुआओं से मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आज का व्लॉग स्टार्ट हो रहा है रात के 8 बजे। मिस्पा ने ना मेरे को सुबह से बोला हुआ था कि दीदी मेरे को ना क्या करके दो, ये नोट्स बुक है ना, नोटबुक्स के ऊपर क्या करके दो, कवर, हाँ कवर चढ़ा कर दो। तो जैसे कि हम भी जब छोटे होते थे तो हम भी मतलब जब छोटी क्लासेस में हम पढ़ते थे, जब हमारे लिए न्यू बुक्स और न्यू नोटबुक्स वगैरह जो हैं वो आती थी तो हम भी बहुत ज्यादा खुश होते थे और अपनी नोटबुक्स को हम बड़े ही प्यार से मतलब संभाल के रखते थे। मैंने तो बाजार से मंगवाए हैं कवर, मिशन मुझे बताओ नहीं कभी, ये मतलब ये वाला जो कवर है ना ये कभी भी हमने नहीं अपनी नोटबुक्स के ऊपर चढ़ाया है। हमने न्यूज़पेपर होते ना वो वाले हमने अपनी नोटबुक के ऊपर मतलब चढ़ाए हुए हैं, तो बहुत ही मतलब खुशी होती थी बहुत ही ज्यादा। और मिस्पा ने मेरे को सुबह से बोला हुआ था दीदी मेरे को करके दो काम, मतलब नोटबुक्स के ऊपर मेरे को कवर चढ़ा के दो, बट मेरे को टाइम ही नहीं मिला। तो अभी मैं फ्री हुई हूँ तो अभी मैंने सोचा कि आप मिस्पा का काम जो है वो कर लेते हैं खत्म, नहीं तो मिस्पा नाराज हो जाएगी, बोले कि पहली बार मैंने दीदी को कोई काम बोला दीदी ने काम ही नहीं किया। और कल वाले व्लॉग में ना आपने मिस्पा के लिए बहुत ही अच्छी अच्छी मतलब बातें बोली हैं, मैंने कमेंट्स पढ़े, सबके कमेंट्स पढ़े, मेरे को बहुत ज्यादा अच्छा लगा। और मिस्पा आपको पता है क्या बोल रहे थे मिस्पा आपको बहुत बहुत मुबारक हो, आपने फर्स्ट पोजीशन लिया है, और बोल रहे थे आप ना अच्छे से पढ़ाई करना मन लगा कर और दीदी की तरह वीडियोस नहीं बनाना। मिशु मिस्पा को पूछते हैं क्या बनना है, मिशु बताओ, यहाँ बैठो मेरे पास बैठो, क्या बनना बड़े हो? डॉक्टर। मिस्पा ने डॉक्टर बनना है, तो इंशाल्लाह मिस्पा पढ़ेगी, मेहनत करेगी, करेगी ना मेहनत। तो लाओ इधर नोटबुक्स वगैरह जो मैं करूँ आपका काम, तो उसके बाद हम जाएंगे कहीं, कहाँ जाना आज घूमने के लिए जाना है? हम अक्सर पुल पर ही जाते रहते रात को, कहाँ जाएंगे घूमने के लिए, अक्सर बस पुल पे ही जाते हैं। ये क्या किया है? ये मैंने लिखा। ये देखो मिस्पा ने चित्रकारियाँ निकाली है अपने नोटबुक पर, अपना नाम रोल नंबर क्लास सब्जेक्ट वगैरह जो है वो लिख के रखा है मिशु ने। मिशु की कैंची जो है ना ये भी नहीं चल रही, मिस्पा ने कहाँ से लाई? मिशु छोटी वाली कैंची नहीं है आपके पास? ये मेरी है, मम्मा ने ली थी, आगे से इसका वो चोंच टूट गया। चोंच? बस हो गया इतनी थी। अच्छा मिस्पा ने जाना है सुबह स्कूल, तो इसलिए मिस्पा अपनी नोटबुक्स वगैरह जो है, बुक्स नहीं लाई मिशु, नोटबुक्स वगैरह को कवर वगैरह जो है वो चढ़ा रही है, सुबह जाएगी स्कूल, अब सेकंड क्लास में बैठेगी है मिशु। और अभी मैं आपको बताती हूँ मिस्पा ना दिन को क्या बनाती रहती है बस बैठ कर। मिशु बता मेरे को ये क्या बनाया हुआ है? ये थोड़ा ये देखो ये हालत है मिस्पा की, वो मिशु गिर ही रहा है तेरा सामान, ये क्या बनाया है सामान? और सामान रखने के लिए ये बनाया है इसने बैग। मिस्पा ने मेरी शक्ल बनाई हुई, आपको मैं बताती हूँ, ये देखो ये हाल है मिस्पा का, ये बना के रखी है मिशु ने मेरी शक्ल। मेरे को कल बहुत ही ज्यादा हंसी आई है वाली देख के शक्ल अपनी। ये है मेरे बाल मिशु ने बनाए हुए हैं और प्लाजो शर्ट बनाई है मिशु ने। मिशु ने टांगे मेरी बहुत बड़ी बनाई है, बड़ी बन गई। हाथ ना बिल्कुल छोटे से बनाए हैं मिस्पा ने, और टांगे जो है वो मेरी बहुत ही बड़ी बनाई है, और बाल मेरे मिस्पा ने बहुत ही ज्यादा मोटे से बनाए हैं मिशु। मेरे बाल बहुत पतले हैं, पतले वाले। ये कौन से शूज हैं? ये है कोई भी होता है। कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि ये वाली मिस्पा की ड्राइंग आपको कैसी लगी। और भी मिस्पा ने काफी सारी ड्राइंग्स की हुई है, मतलब बहुत अच्छी अच्छी की है, पता नहीं वो कहाँ रखा है मिशु ने। अब वो ऊपर तो नहीं, पता नहीं कहाँ रखा तूने तो, पर देख के ऊपर ऊपर लेके गई थी क्या ऊपर वाले रूम में? अच्छा रहने दे, बाद में बता देना ठीक है। अभी कर रही हूँ व्लॉग को बंद।